आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 से 26 सेशन के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण आपके जो सवाल हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जो आप सभी लोगों के सवाल हैं कि सरकारी कॉलेज में आपको जो है हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है, साथ ही साथ किसे मिलता है, और जो है गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल लेने के लिए कितने आपको पैसे देने होंगे। कारण क्या है कि आप सभी लोगों का रिजल्ट जो है बहुत जल्द आने वाले हैं, साथ ही साथ अन्य ज़िले के बच्चे जो हैं दूसरे ज़िले में पढ़ने जाते हैं तो उनको रहने के लिए दिक्कत होती है वहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पर आपको जो है हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर आपको कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या चीज़ें लगती है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलेज एडमिशन फ़ी की अगर हम बात कर लें तो अगर आपको डीएलएड करना है और डीएलएड करने में आपको जो है सरकारी से करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपका 20 से 25,000 में जो है 2 साल हो जाएगा। 2 साल आपका जो है 20 से 25,000 एडमिशन फ़ी आपका यहाँ लगेगा अप्रॉक्स। और वहीं पर अगर प्राइवेट कॉलेज में आते हैं तो यहाँ पर आपको 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये जो है आपका लग जाएगा 2 साल का, ये याद रखिएगा। समझ गए? जी हाँ, ये आप याद रखिएगा। तो कॉलेज फ़ी समझ गए, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका है आप सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर समझेंगे कि हॉस्टल फ़ी गवर्नमेंट कॉलेज में कितना होता है। प्राइवेट कॉलेज में तो हॉस्टल की सुविधा नहीं होती है, बिहार में तो नहीं है। बाकी जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें आपको हॉस्टल की सुविधा है, लेकिन सारे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर सुविधा है और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर नहीं है। समझ गए? तो वो मैं आपको एक अलग एनालिसिस करके वीडियो ला दूंगा जिसमें बता दूंगा कि आपको जो है किस किस कॉलेज में आपका हॉस्टल की सुविधा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लड़कों की बात कर लेंगे तो लड़कों का जो फ़ी लगता है ना 1 साल का, वो 6 से लेकर 7,000 पर ईयर लगता है। यानी 6 से 7,000 जो है 1 साल का हॉस्टल फ़ी लगता है। और लड़कियों का जो हॉस्टल फ़ी लगता है वो आपका 5 से 6,000 रुपये लगता है। कितना लगता है? 5 से 6,000 रुपये आपका लगता है। वहीं पर हम बात कर लें तो खाना जो है खुद बनाना पड़ता है या मेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हॉस्टल में खाना की सुविधा नहीं मिलती है, केवल वहाँ पर आपको रूम मिलेगा, एक आपको बेड मिल जाएगी, बाकी आपको पानी वानी बाथरूम मिल जाएगा, बाकी आप लोग खाना का व्यवस्था खुद करिए। नहीं तो मेस अगर ज्वाइन करेंगे तो उसके पैसे आपको अलग हर महीने देने पड़ेंगे। क्लियर है? जी हाँ। तो साथ ही साथ मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हॉस्टल को लेकर, अब हॉस्टल को लेकर जो है ना इसमें भी जो है इसको लेने के लिए, हॉस्टल लेने के लिए जो है एडमिशन के समय फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको हॉस्टल लेना है तो जब आप एडमिशन लीजिएगा उसी समय आप जो है वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, इसीलिए आपको वहाँ पर मिलेंगे। बिना फॉर्म अप्लाई किए नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीट जो होते हैं लिमिट होते हैं तो उसके अनुसार से आपको अप्लाई करना है। तो आशा करते हैं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 से 26 सेशन में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको पता चलना चाहिए कि हॉस्टल फ़ी कितना है और क्या प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलता है। अप्रॉक्स पर ईयर का चार्ज जो है आपका 5 से 6,000 रुपये है गवर्नमेंट कॉलेज का, हॉस्टल फ़ी ओनली, केवल हॉस्टल फ़ी, बाकी अदर खर्चा जो है आपका अलग है। यानी 2 साल में आपको हॉस्टल फ़ी लगभग लगभग आपका 12 से 13,000 रुपये लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।